दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि अब देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ, जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी और धन की देवी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से 19 अगस्त से 25 अगस्त यानी कि अगस्त माह के 7 दिनों के अंदर आपको मिलेंगे 3 बड़े फल, वो भी आपके कर्मों के। जय दोस्तों 100% सत्य भविष्यवाणी जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह 100% होकर ही रहेगा, क्योंकि इन 7 दिनों के अंदर शिव योग, सिद्धि योग, सौभाग्यवान योग, गुरु पुष्प अमृत योग, धन लक्ष्मी प्राप्ति योग जैसे अत्यंत दुर्लभ योग बने हैं, जिसमें कि अब आपको 3 बड़े शुभ फल आपके कर्मों के अनुसार मिलेंगे। घर परिवार खुशी से नाचेगा दोस्तों, इतना अच्छा समय है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह जो समय आया है जिसमें कि भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी एक साथ अपनी कृपा आपकी राशि वालों पर बरसाएंगे, दोस्तों यह समय पूरे 11 वर्षों के बाद आया है, ऐसा शुभ मंगलकारी समय। इसलिए आपने हमारे इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, बधाई हो, 3 शुभ फल, बड़े फल आपके कर्मों के आपको मिलेंगे, ये बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों किस प्रकार इन 7 दिनों का समय रहेगा इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे, कौन कौन से शुभ फल आपके कर्मों के अनुसार आपको मिलेंगे, जो आपने मेहनत की है उसके अनुसार आपको फल मिलेंगे, बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी वीडियो में वही आपको बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इन 7 दिनों में आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी बरतनी होंगी, कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपको इन 7 दिनों का लाभ मिलेगा, अन्यथा दोस्तों आए हुए मौके भी आपके हाथ से निकल जाएंगे यदि आप इन सावधानियों को नहीं बरतेंगे। इसलिए सारे काम छोड़कर अंत तक वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की वीडियो केवल नसीब वालों के लिए समझ लें, वो महाभाग्यशाली होगा जो आज की इस वीडियो को देख पाएगा। इसलिए सारे काम छोड़कर शुरू से अंत तक बिना काटे वीडियो को पूरा जरूर देख लें कि किस प्रकार देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी अपनी कृपा आपकी राशि वालों पर बरसाएंगे इन 7 दिनों में। क्या दोस्तों वीडियो का अगर शुरू करें, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी नारायण, जय भोलेनाथ अवश्य लिख देना, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो चलिए दोस्तों समय न गवाते हुए बात करते हैं किस प्रकार देव आदि देव महादेव भगवान भोलेनाथ, जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी और धन की देवी मां लक्ष्मी की असीम कृपा से, इनके आशीर्वाद से आपकी राशि वालों के लिए 19 अगस्त से 25 अगस्त यानी कि अगस्त माह के 7 दिनों का यह समय रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन 7 दिनों का समय आपकी राशि वालों के लिए पिछले 11 वर्षों का सबसे अच्छा समय सिद्ध होगा। इतना अच्छा समय है कि पिछले 11 वर्षों में जो बीते 11 वर्ष हैं ऐसा समय आपके लिए नहीं आया होगा, क्योंकि इन 7 दिनों में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी और भगवान शिव शंभू की कृपा आपके ऊपर सबसे अधिक बरसने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि यह वह समय होगा जब घर परिवार इन खुशखबरियों को सुनकर खुशी से नाचने लगेगा। दोस्तों आपको बता दें भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी, भगवान शिव शंभु की कृपा सबसे अधिक बनी रहेगी इन 7 दिनों में आपके ऊपर, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों में बड़ा परिवर्तन और आपके ग्रहों के अनुसार बन रहे शुभ योग आपकी किस्मत को अब चमकाने वाले हैं। आपके जीवन में 4 चांद लगने वाला है, यूं कहें आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट हैं उन सभी से अब आपको छुटकारा मिल जाएगा इन 7 दिनों में। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे दोस्तों वह काम आपका बनेगा, धन लाभ होगा, चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति होगी, बड़ी बड़ी खुशखबरियों की प्राप्ति होगी।
जा दोस्तों, इन 7 दिनों का समय बहुत ही अच्छा समय है आपकी राशि वालों के लिए, भरपूर लाभ उठाएं इस समय का। जा दोस्तों, इस समय जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे वे अब आपके अतिरिक्त प्रयास से पूर्ण हो जाएंगे। इस समय आपके समस्त कार्य पूर्ण होने वाले हैं जो कि पिछले कुछ समय से अटके हुए थे। आपको बता दें, समय आपके पक्ष में साबित होगा ही है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है वे आपके पक्ष में रहने वाली है। साथ ही साथ किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से आपको काफी प्रसन्नता मिलेगी। साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा, इसलिए कोई भी कार्य करें तो घर के बड़े बुजुर्गों से आप सलाह अवश्य लें, सफलता आपको मिलेगी। राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों संबंधी दायरा भी आपका बढ़ेगा तथा नए महत्वपूर्ण संबंध भी आपके लिए स्थापित होंगे। लंबित पड़ी हुई योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए समय अच्छा है। जो पुरानी योजनाएं हैं उनको आप अमल करें, इस समय में आपको लाभ मिलेगा। समय उचित है योजनाओं पर कार्य करने के लिए। बच्चों की गतिविधियों में आपका इस समय योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप देखेंगे कि बच्चों के प्रति जो आपका योगदान है उससे आपको खुशी मिलेगी, आपके मन मुताबिक परिणाम आपके सामने आएंगे। और घर में नजदीकी रिश्तेदारों के इस समय में आगमन से चहल पहल भी बनी रहेगी तथा रोजमर्रा की थकान तथा व्यस्तता भरी दिनचर्या से भी आपको राहत मिलेगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई व करियर संबंधित समस्याओं का इस समय समाधान आपको मिलेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद व कृपा आपके ऊपर इस समय बनी रहेगी। और आपको यह भी बता दें कि यदि कोई निवेश आप करना चाहते हैं तो निवेश करने से पहले अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च हो सकता है, इसके भी प्रबल योग बने हुए हैं, लेकिन यदि आप समझदारी से काम लेंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो आपको इससे फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा कोई। लेकिन भावुकता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखें कि आपकी भावुकता का कोई अनुचित फायदा ना उठा ले, सावधान रहें आप। बुरी नियत के लोगों तथा बुरी आदतों से आपको दूरी बनाकर रखना है, अन्यथा आपकी मान हानि और अपमान भी हो सकता है। अगर कोर्ट कचहरी संबंधी कोई मामला चल रहा है तो उसे स्थगित ही रखें। ध्यान रखें कि सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। घर से संबंधित काम रुकने से तनाव उत्पन्न हो सकता है। विद्यार्थियों को विशेष रूप से यह बता दें कि सोशल मीडिया तथा व्यर्थ के कार्यों से ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई पर लगाएं, अन्यथा आप अपने करियर से भटक सकते हैं। और साथ ही साथ प्रेम संबंधों से जुड़ी विचारधाराओं पर बात करें तो आपको बता दें, घर का वातावरण इस समय बहुत ही सौहार्दपूर्ण व खुशनुमा बना रहेगा। मनोरंजन और आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होने से सभी अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस समय में पति पत्नी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर छोटी मीठी नोकझोंक भी तकरार हो सकती है, परंतु आपको निराश नहीं होना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अविवाहितों के लिए भी खुशखबरी है। इस समय में अविवाहितों के लिए विवाहित संबंधित कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है, विवाह संबंधी चर्चाएं आपके घर में चल सकती हैं, तो आपको तैयार रहना है। और अब करियर व्यवसाय की बात करें कि आपको धन की हानि होनी है, इस समय में धन का लाभ होना है। नौकरी से संबंधित बात करें तो दोस्तों आपको बता दें
कि कर क्षेत्र में प्रतिद्वंदी सक्रिय हो सकते हैं, सावधान रहना है। जरा सी सावधानी बरतने से आपको लाभ मिल सकता है। इस समय आप सावधानी बरतें, सावधानी बरतने से वह आपका अहित नहीं कर पाएंगे। हल्की सी आपने असावधानी बरती तो आपको वह हानि पहुंचा सकते हैं। तो सचेत रहना है, सावधान रहना है आपको इस समय में। और इस बात का ध्यान रखें कि आपका कोई अपना ही आपके सीक्रेट को लीक कर सकता है। अपने सीक्रेट लीक ना होने दें आप। प्राइवेट नौकरी में लक्ष्य को प्राप्त करने का दबाव रह सकता है, परंतु निराश नहीं होना, सफल आप होंगे इसमें। कोई दबाव आपको नहीं लेना है अपने ऊपर। कार्य के प्रति लगनशील रहें, सफलता आपको मिलेगी। व्यवसाय में अगर कुछ नवीनीकरण या विस्तार संबंधी योजनाएं बन रही हैं तो उस पर आपका ध्यान केंद्रित होगा। इस समय ध्यान केंद्रित रखें इस पर। इसमें उच्च अधिकारियों का भी मार्गदर्शन व सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी में भी आपको नए अवसर अथवा नए ऑफर प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। रोजगार प्राप्ति के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। मनचाहा रोजगार प्राप्त हो सकता है आपको। तो प्रयासरत रहे, जो मौका मिले हाथ से नहीं जाने देना। इससे फायदा यह होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, धन प्राप्ति के कुछ मार्ग आपको मिलेंगे, घर परिवार में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। तो जो भी अवसर मिले हाथ से नहीं जाने देना आपको। और कार्य क्षेत्र पर कर्मचारियों व सहयोगियों की गतिविधियों को आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि उनकी किसी हरकत से आपको नीचा भी देखना पड़ सकता है। थोड़ा सावधान रहें। निवेश संबंधी कार्यों में कोई भी फैसला लेने से पहले उस पर अधिक से अधिक सोच विचार अवश्य कर लें। आपको लाभ देगा ये, हानि होने से बच जाओगे आप। कोई हानि होनी होगी तो उससे बच जाएंगे। ध्यान देना है आपको इस बात का। और साथ ही साथ नया वाहन या मकान खरीदने संबंधित भी योजनाएं बनेंगी, तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है, परंतु सोच समझकर आपको सभी निर्णय लेने होंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ आपसे स्वास्थ्य संबंधित चर्चाओं पर बात करें तो यह समय आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, परंतु वर्तमान परिस्थितियों को आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। खान पीन पर आपको ध्यान देना है, व्यायाम व योगा पर आपको अधिक से अधिक ध्यान देना है, जो आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखेगा। धन्यवाद।